हेलो नमस्कारम। अभी तक हम ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं, रेस्पिरेशन प्लांट का टॉपिक। अब बात है ईटीएस करने की, क्योंकि देखो ग्लाइकोलिसिस में अपन ने क्या किया, एटीपी निकले, ठीक है, और एनएडीएच2। अब जो एनएडीएच2 निकले हैं जितने, उनका मेन काम तो अपना एटीपी बनाना था ना, तो एटीपी कहाँ बनाएंगे, अब ईटीएस में बनेंगे। वो जितने भी एनएडीएच2 और एफएडीएच2 बने हैं उनको ले चलेंगे ईटीएस में और वहाँ बना देंगे उनके एटीपी। तो वो काम आज मैं करके बताऊंगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ। ये सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, पता क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन बनता है कि ये लोकेशन कहाँ होता है, तो वो सबसे पहले ज़रूरी है पता करना, क्योंकि वही भूल जाते हैं लोग। बाकी लोकेशन क्या है इसकी, तो लोकेशन देख लो। सबसे पहले ये होता है लोकेशन क्या है इसकी, ग्लाइकोलाइसिस की लोकेशन क्या थी, साइटोप्लाज्म, और लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल की लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, और इसकी लोकेशन है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। लिख के बता देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। तुम्हें ज्ञात होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, तो इसकी इनर मेम्ब्रेन में ये चलती है ईटीएस, ठीक है। अब होता क्या, अब देखो एटीपी बनाने को क्या कहते हैं अपन, फॉस्फोराइलेशन, और एनएडीएच2 और एफएडीएच का क्या हो रहा है यहाँ, ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होगा यहाँ पे, एनएडीएच एंड एफएडीएच ऑक्सीडेशन। मेन काम क्या है, अपने एटीपी बनाना है, जितने एनएडीएच और एफएडीएच2 निकले थे उनका एटीपी बनाना है, तो अभी बना के दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो मैं जो फिगर बनाऊंगा ना इधर, उसको बड़े ध्यान से देखना, वो केवल इनर मेम्ब्रेन बनाऊंगा मैं, इनर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की। अब इसमें होती है कॉम्प्लेक्स, तो कुछ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं पहले, फिर उसमें बताता हूँ कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं कौन कौन से कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स वन, ये कॉम्प्लेक्स टू, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, और कॉम्प्लेक्स फाइव, ठीक है। नाम लिख लेते हैं सबसे पहले, कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स टू, कॉम्प्लेक्स थ्री, कॉम्प्लेक्स फोर, और ये कॉम्प्लेक्स फाइव। जिस लेवल का वीडियो होने वाला है, मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे कैसे किसी ने भी ऐसे पढ़ाया होगा, और इसमें ज़्यादातर डाउट रहता है, हर किसी बच्चे को डाउट रहता है, क्योंकि टीचर को भी बहुत कम क्लियर होता है कि बताना कैसे है और क्या चीज़ है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत एम्बिगुअस से स्ट्रक्चर बना है इसके बारे में। तो वो आज आपके एक भी डाउट नहीं बचेगा इसको देखने के बाद, तो पूरा वीडियो देखना लास्ट तक, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स वन में देख लेते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, पहला FMN एक, और FES दो हैं कॉम्प्लेक्स वन में। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड में कौन कौन से होते हैं, अभी कॉम्प्लेक्स टू की बात नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स थर्ड में कौन कौन से होते हैं, साइटोक्रोम सी एक, दूसरा एक होता है FES भी इसमें होता है, UQ होता है इसमें, और साइटोक्रोम B1 भी होता है, साइटोक्रोम B1, ठीक है। UQ को क्या कहते हैं, यूविकिनॉल, ठीक है, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम B1। अब कॉम्प्लेक्स फोर में देख लेते हैं, इसमें होता है साइटोक्रोम ए एंड A3 विद टू कॉपर सेंटर, कॉपर सेंटर। अभी मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि प्रोबेबल क्वेश्चन कौन से होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यही आता है कि कॉम्प्लेक्स फोर में किस में दो कॉपर सेंटर होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स फोर में या तो आ जाएगा कि FMN और FES किस में होते हैं, ठीक है, और UQ है जो हाइड्रोजन कैरियर है, तो हाइड्रोजन को कैरियर किस में होते हैं, कॉम्प्लेक्स फोर में देखो एक भी हाइड्रोजन कैरियर नहीं है, अभी कॉम्प्लेक्स टू की भी बात करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, सारी चीज़ बता दी, और कॉम्प्लेक्स जो फाइव है वो है ATPase, ये F0 है और ये F1 है, ठीक। अब देखो क्या होगा,
अभी देखो ये स्ट्रक्चर बन गया है। अब एक चीज़ और रह गई, एक चीज़ क्या रह गई कि यहाँ बीच में भी इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। तो इधर जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स थर्ड के बीच में होता है उसको कहते हैं यू क्यू, जो मतलब कॉम्प्लेक्स थर्ड में वही वाला यहाँ भी होता है एक, और कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर के बीच में होता है दूसरा वाला एक साइटोक्रोम सी। ठीक, अब देखते हैं होता कैसे। अब देखो कॉम्प्लेक्स वन पे एक NADH टूटा, NAD प्लस और इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इस साइड, ठीक है, ये इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस है, ये क्योंकि इनर मेम्ब्रेन इस साइड आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन लेगा FMN और एक H प्लस लेगा। ठीक, तो अब वो H प्लस लेगा, जो दो लेगा H प्लस, वो दो H प्लस FMN इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में डाल देगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना FES को इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो FMN क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर तो है ही लेकिन हाइड्रोजन कैरियर भी है, ये बात नोटिस करो। हाइड्रोजन लिया है तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने दो एच प्लस इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में डाल दिए और इलेक्ट्रॉन FES को दे दिया। अब ये FES क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा UQ को, यूबिक्विनॉल को। यूबिक्विनॉल क्या करता है, दो एच प्लस लेता है इधर से मैट्रिक्स से और ए भी दो एच प्लस कहाँ डाल देता है, इस स्पेस में डाल देता है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक, अब ये जो UQ है ये भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, आगे पास कर देगा कॉम्प्लेक्स थर्ड को। अब कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या है, साइटोक्रोम सी, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा FES को। ठीक, अब इसके ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर, देखो कॉम्प्लेक्स वन में क्या है, FMN इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है और हाइड्रोजन कैरियर, एक हाइड्रोजन कैरियर अपन को मिल गया है। UQ देखो हाइड्रोजन कैरियर है और इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है क्योंकि हाइड्रोजन दो लेके इधर फेंका है, तो अभी तक चार H प्लस इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ गए हैं। अब देखो FES के पास इलेक्ट्रॉन गया, अब FES दे देगा UQ को। अब UQ के पास आया तो UQ क्या है, हाइड्रोजन कैरियर भी है और इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है, तो ये दो एच प्लस फिर लेगा और ये दो एच प्लस फिर यहाँ डाल देगा, तो अभी तक कितने 6 एच प्लस चले गए हैं इस स्पेस में। ठीक है, अब देखो फिर वो इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम B1 को, फिर क्या करेगा साइटोक्रोम B1 दे देगा साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन, फिर साइटोक्रोम C क्या करेगा, दे देगा कॉम्प्लेक्स फोर में साइटोक्रोम A और A3 को। ठीक, इधर अब कोई भी H प्लस वो अंदर करने वाला नहीं है। अब साइटोक्रोम जो कॉम्प्लेक्स फोर है, ध्यान धरना इसको और ध्यान से देखना, कॉम्प्लेक्स फोर क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है इधर से वो दे देगा ऑक्सीजन को। ठीक, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और फिर यही ऑक्सीजन किसको मिल जाएगी, H प्लस को, और यहाँ बना लेंगे H2O। ठीक, जो C6H12O6 में जब ब्रेक होता है तो 6CO2 बनता है, 6CO2 तो मैंने देख ली थे कहाँ बन रहे थे, 6O2 बनता है, 6H2 बनता है, तो वही ये H2 है। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है इसमें एरोबिक में, ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड वाले में कौन था पाइरूविक एसिड, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कौन था एस्टरल्डिहाइड, और यहाँ पे कौन है ऑक्सीजन, लास्ट में ऑक्सीजन को किसने ले लिया, एच प्लस को बना लिया H2O, एक सीन हो गया। और किस स्टेप पे होता है, कॉम्प्लेक्स फोर के बाद, कॉम्प्लेक्स फोर पे यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन की साइकिल। अब इलेक्ट्रॉन की साइकिल इतनी चली तो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में कितने एच प्लस आ गए, 6H+ आ गए। तो अब जो यहाँ पे जो ATPase लगा है, यहाँ से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से दो एच प्लस इधर से इधर आते हैं और ADP से ATP बन जाता है, दो एच प्लस से कितना, एक ATP बनता है, तो कितने एच प्लस गए हैं NADH के ऑक्सीडाइज होने पे, 3H+। तो अब ये कैलकुलेशन इधर बैठाओ अपनी कि 6H+ हैं तो एक NADH कितना बनाएगा, ऑक्सीडाइज होकर कितना बनाएगा, 3 ATP, समझ में आया, क्योंकि दो से बन रहा है एक ATP, तो तीनों बार बार जाएंगे तो 3 ATP बनेगा NADH का, तो कैलकुलेशन तुम्हें समझ में आ गया। अब FADH से कितने बनते हैं, 2 ATP, वो बताता हूँ कैसे बनते हैं। अब देखो जब कॉम्प्लेक्स टू इन्वॉल्व होगा, इधर क्या होगा कॉम्प्लेक्स टू पे
FADH टूटेगा, FAD प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन पे, ठीक। तो अब कॉम्प्लेक्स टू इसको लेगा, ठीक है, और कुछ नहीं करेगा उस पर, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर, वो हाइड्रोजन कैरियर नहीं है, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा किसको, यू क्यू को। यू क्यू के पास हैं अपने पास हाइड्रोजन कैरियर, तो ये दो एच प्लस ला देगा इधर, फिर वही सेम साइटोक्रोम सी के पास जाएगा, एफ ई एस के पास जाएगा, फिर यू क्यू के पास जाएगा, फिर दो एच प्लस यू क्यू इधर ला देगा, तो अभी कितने, चार एच प्लस आए हैं, फिर साइटोक्रोम सी के पास, फिर ए थ्री के पास, फिर ए वन ए थ्री के पास, और फिर ऑक्सीजन के पास। तो जब एफ ए डी एच ऑक्सीडाइज होता है तो कितने एच प्लस आते हैं इधर, चार एच प्लस, तो कितने ए टी पी बनेंगे, दो ए टी पी, ठीक। ए सीन है कॉम्प्लेक्स फाइव क्या है, ए टी पी एंजाइम। कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या है, साइटोक्रोम ए और ए थ्री। कॉम्प्लेक्स थर्ड में देख लेना, साइटोक्रोम सी एफ ई एस एफ यू क्यू साइटोक्रोम बी वन, और दो मोबाइल कैरियर हैं अपने पास, एक साइटोक्रोम सी जो किसी में नहीं जुड़ा है, और यू क्यू ये भी किसी में नहीं जुड़ा है, तो इन दोनों को कहते हैं मोबाइल कैरियर, जो भी किसी भी कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक। अब हाइड्रोजन कैरियर किस किस में नहीं है, अभी देखो मैं तुम्हें प्रोबेबल क्वेश्चन बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो समझ में आ गया ना, बस ये याद भी करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा तुमको, कि एफ एम एन किस में है, एफ ई एस किस में है, अभी क्वेश्चन कौन से बनते हैं वो बताता हूँ, ठीक। अब चलते हैं प्रोबेबल क्वेश्चन की तरफ, अब देखो कॉम्प्लेक्स वन में हाइड्रोजन कैरियर था FMN, ठीक, एंड कॉम्प्लेक्स थर्ड में कौन सा था हाइड्रोजन कैरियर, UQ, ठीक, और कॉम्प्लेक्स फोर्थ और कॉम्प्लेक्स सेकंड में कोई हाइड्रोजन कैरियर नहीं था, कोई भी हाइड्रोजन कैरियर नहीं था। तो अब यही क्वेश्चन आ सकता है कि किस में कोई भी हाइड्रोजन कैरियर नहीं है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ में और कॉम्प्लेक्स सेकंड में एक भी हाइड्रोजन कैरियर नहीं है, ये क्वेश्चन ये बनता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन किस कॉम्प्लेक्स पे, कॉम्प्लेक्स फोर्थ पे ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, एक तो ये हो गया। एक एन डी एच से कितने बनेंगे, तीन ए टी पी, दो एफ एक एफ डी एच से कितने बनेंगे, दो ए टी पी, ये कैलकुलेशन भी डन है। अब देखो हाँ, अब बाकी देखो हाइड्रोजन कैरियर केवल दो ही हैं, एफ एम एन और यू क्यू, बाकी सब इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, वो तुम्हें ध्यान, वो दो मोबाइल कैरियर कौन कौन से हैं, यू क्यू और साइटोक्रोम सी, जो मतलब किसी कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व नहीं है, उनको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। ये सब बात भी डन हो गई। अब तुम्हें वो चीज़ समझ में नहीं आती होगी कि 36 ATP और 38 ATP का क्या झूल है, वो कैसे बताते हैं, उसको भी बताता हूँ मैं। अभी देखो समरी बताता हूँ मैं, ग्लाइकोलिसिस से क्या हुआ था, ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ, अपने पास ग्लूकोज था, ठीक, ग्लूकोज से दो पाइरूविक एसिड बने थे, और बीच में क्या था, दो ATP बने और दो NADH2, ये कहाँ काम हुआ, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म। अब देखो साइटोप्लाज्म में हुआ ये, अब साइटोप्लाज्म से दो NADH2 तो ETS चलेगी तभी ATP बनाएगा ना, और वैसे तो ATP बनाएगा नहीं बिना ETS चलाए, तो ETS चलेगी तभी ATP बनाएगा ये, तो इसको ले के जाना है अपन को माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक मैलेट एस्पार्टेट शटल, शॉर्ट फॉर्म में मास कहते हैं, और एक ग्लाइकोफॉस्फेट ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, ठीक है। ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से गए तो NADH कन्वर्ट हो जाएगा FADH में, दो NADH दो FADH में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर तुम सोच लो दो FADH में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर एक से दो ATP बनेगा तो चार ATP बनेगा, और अगर मास से गए मतलब मैलेट एस्पार्टेट शटल से गए तो क्या होगा, तो तीन NADH ही पहुँचेगा तो तीन ATP बनाएगा, तो अगर इससे गए तो टोटल चार ATP बनेंगे इसके, और मास से गए तो छः ATP बनेंगे, तो यही है, अगर ग्लाइकोज ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से गए तो 36 ATP बनते हैं, और मास से गए तो 38 ATP बनते हैं, ये सीन हो जाता है। और बाकी तो लिंक रिएक्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलती है, और क्रैब साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, तो इनको इस शटल से पार होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो इनके NADH से ATP बनता है, तीन ATP बनते हैं, FADH से दो ATP बनते हैं। तो अभी देखो
मान लो मार्स से गए, मैलेट एस्पार्टेड शटल से गए, ठीक, तो NADH का NDH ही हो जाएगा। तो दो NADH बने कहाँ पे? ग्लाइकोलिसिस में, ठीक। दो NADH बने थे कहाँ पे? अपने उसमें लिंक रिएक्शन में। और छः NADH बने थे अपने कहाँ पे? क्रेब साइकिल में। तो कितने होगा टोटल? 10 NADH। 10 में 3 का N2 कर दो, 1 से 3 बनता है ना, 10 में 3 का N2 करोगे तो 30 ATP बनाएंगे NADH। अब FADH देख लो, दो FADH बनते हैं क्रेब साइकिल में, तो दो एक FADH कितना ATP बनाता है? दो ATP बनाता है, तो 2 से 2 4 ATP ये हो गए। और दो GTP बनते हैं क्रेब साइकिल में, और दो ATP बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में, तो वो भी दो दो मिला के वो भी 4 हो गए। तो अब इनको ऐड करो, 30 + 4 + 4 कितना हो गया? 38 हो गया, 38। अब यही सेम काम इसमें होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में, बस इसके जो मतलब NADH जो ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं वो इस शटल से पास होकर FADH में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो फिर 4 ATP बनाता है, इसलिए 2 का झोल हो जाता है उसमें। तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा था। अब तुम्हें समझ में आ गई 36 और 38 ATP बनते कौन कैसे हैं, इसको थोड़ा लिख लेना कि मास मैलेट एस्पार्टेड शटल कहाँ कहाँ रहता है? किडनी में, हार्ट, लीवर, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो यहाँ 38 ATP की ज़रूरत है। तो ये रहेंगे किडनी, हार्ट और लीवर में, मार्क की जगह ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, वो देगा 36 ATP, क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस में NADH बने थे वो FADH में कन्वर्ट कर लेता है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में लाने में, तो उसके साथ ये दिक्कत हो जाती है। तो अब इसके नाम देख लेते हैं, इनको नाम भी दिया जाता है। कॉम्प्लेक्स वन का नाम क्या हो जाएगा? NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स टू का FADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स थर्ड का क्या नाम हो जाएगा? देखो, जब तुम्हें ये समझ में आता होगा कि इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तो वो क्या होगा? रिडक्शन होगा उसका। इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है तो ऑक्सीडेशन, तो UQ से इलेक्ट्रॉन इसने लिया है तो क्या किया है? UQ को ऑक्सीडाइज। तो साइटो कॉम्प्लेक्स थर्ड का अपन नाम रख सकते हैं UV-quinol ऑक्सीडेज, ठीक है। और इसने साइटोक्रोम सी को क्या किया है? इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी इसको रिडक्शन किया है, तो इसका दूसरा नाम भी रख सकते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड का साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, ये नाम रख सकते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स फोर का भी दूसरा नाम रख सकते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, क्योंकि इसका इससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं साइटोक्रोम सी वन से, तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज भी इसका नाम रख सकते हैं। तो ऐसे इसकी नेमिंग होती है। बाकी तुम ये क्वेश्चन याद रखना कि दो कॉपर सेंटर किसके पास हैं? कॉम्प्लेक्स फोर के पास। कॉम्प्लेक्स फाइव क्या है? ATP एंजाइम, यहाँ 2H+ जाएंगे तो ATP बनेगा। हाइड्रोजन कैरियर कौन कौन से हैं? UV-quinol और FMN, ठीक है। हाइड्रोजन के आगे किस में नहीं है? अपने कॉम्प्लेक्स फोर में नहीं है, कॉम्प्लेक्स सेकंड में नहीं है, एक चीज़ ये, ठीक है। और हाइड्रोजन कैरियर किस किस में है? हाइड्रोजन कैरियर है कौन? UV-quinol और FMN, बाकी सब इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, ठीक। हाँ, अब मुझे लगता है ये वीडियो तुम्हें पूर्णतः समझ में आ गया होगा, 36 ATP और 38 ATP कैसे बनते हैं और ATS क्या सीन है, और ये इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चले जाते हैं तो फिर यहाँ से आते हैं तो फिफ्थ वाले से तो 2 1 ATP बना लेता है 2H+ से, ठीक है। और फोर्थ कॉम्प्लेक्स पे O2। ये सब पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं। अगर ये तुम्हें वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।